क्योंकि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कल हमने उसके बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सेकेंडली आवर टॉपिक दैट इज इन द क्लासिफिकेशन, इन द फिजिकल क्लासिफिकेशन वी क्लासिफाई इन द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर, एंड द प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इन टू एलिमेंट एंड कंपाउंड. नाउ टूडे वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट. वट इज द एलिमेंट? एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस. ओके, प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स मे बी एटम और मोलिक्यूल्स, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, एक ही टाइप्स के, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं. और ये दीज पार्टिकल्स जो है, दे मे बी एटम्स और दे मे बी मोलिक्यूल्स. लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट वट इज द एटम और वट इज मोलिक्यूल. तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एलिमेंट. एट प्रेजेंट 100, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, फर्स्टली आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी स्टडीज आयरन, एफ ई, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, मैगनीज, जिंक. दीज आर द एलिमेंट एंड दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. वेन एटम कंबाइन, वेन टू और मोर सेम एटम कंबाइन, दे फॉर्म द मोलिक्यूल. ओके, अगर सिंपल आपके लिखा है ऑल दीज आर एटम्स, एंड सेकेंडली द एलिमेंट लाइकवाइज O2, टू ऑक्सीजन कंबाइन एंड दे फॉर्म O2. इट इज ऑल्सो एलिमेंट बट इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मोलिक्यूल O2, N2, Cl2, Br2, I2, F2. दे रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मोलिक्यूल, येट दे आर मॉलिक्यूल. तो यू हैव टू रिमेंबर कि एलिमेंट क्या है, जिसमें एक टाइप्स के, एक ही प्रकार के, वन टाइप्स ऑफ और वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. दीज पार्टिकल्स में भी एटम और मॉलिक्यूल. एट प्रेजेंट यू हैव टू रिमेंबर 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड? 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अप टू 92, दैट इज यूरेनियम एंड द सिंबल इज यू. यूरेनियम अप टू यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम तक, दैट इज द 92 इज द एटॉमिक नंबर. 92 आपका क्या है? एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th क्लास व्हाट इज द एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो अप टू 92, यानी कि 92 तक आपके क्या होते हैं, दे फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर ये फाउंड होते हैं. आफ्टर 92 के बाद, एटॉमिक नंबर 92 के बाद 93 से 118 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स हैं, दे आर मैन मेड. ओके, सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी, ऑल आर मैन मेड एंड सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी एंड ऑल आर रेडियो एक्टिव. सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं. रेडियो एक्टिव. नाउ व्हाट इज द रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव मीन्स में क्या होते हैं? देयर न्यूक्लियस इज अनस्टेबल. उनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है. दे इमिट सम रेडिएशंस, लाइक दे इमिट द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गामा. दे इमिट्स 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा, बीटा और एंड गामा. दे इमिट्स द 3 रेडिएशन, कंटिन्यूसली दे इमिट्स द रेडिएशन until or unless they becomes stable. Okay, so you have to remember at present how many elements have been discovered? 118 element ka discovery ho chuka hai, aur usme se one se atomic number 1 to 92, 1 se leke 92 atomic number jinka bhi hai, 1 humko pata hai kiska hota hai, hydrogen ka. As aise badhte hue up to 92 jo hote hai, they found in the earth crust, हमारी nature में है, earth crust में. After 92, यानी कि जिसका atomic number कितना है, 93 to 118 तक जो है, all are synthesis in the laboratory. सारे के सारे synthesis हैं, किसमें? Laboratory के अंदर. All are man-made and all are radioactive. ये सारे के सारे क्या होते हैं? Radioactive होते हैं. And these are also known as transuranic element. क्या कहते हैं इनको? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. ट्रांस का मतलब होता है
ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक, ट्रांस का मतलब आफ्टर, आफ्टर यूरेनिक का मतलब आफ्टर यूरेनियम, ऑल आर नोन एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ओके, कौन से वाले? 93 to 100 एटॉमिक नंबर, जिसका कितना हो एटॉमिक नंबर 93 to 118। सो इट इज ऑल अबाउट अवर एलिमेंट्स। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, ओके, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। नाउ द एलिमेंट क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट इज अ मेटल। एज वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th क्लास व्हाट इज मेटल। देयर इज अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर लस्टर, लस्टर होते हैं, ठीक है। देयर फ्रेशली कट सरफेस जो होता है वो क्या होती है, चमकती है। जैसे अगर आपने देखा हो तो सोडियम को अगर आप कट करते हो तो उसकी जो फ्रेशली कट सरफेस है वो शाइनिंग इन नेचर होती है, तो लस्टर होते हैं, दे आर लस्टर इन नेचर। सेकेंडली दे आर हार्ड, हार्ड एंड हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, MP एंड BP, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। एंड नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, दे आर मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द मर्करी HG, जो हम क्या करते हैं थर्मामीटर में यूज करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। मर्करी इज मेटल, येट इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, मेलिएबल किसको कहते हैं, बाय बीटिंग, जब आप उसको मेटल को बीट करते हैं देन वी कैन मेक देयर थिन शीट, जो भी हमारे घरों के ऊपर जो शीट लगी होती है तो उसको हम कहते हैं मेलिएबल नेचर। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दैट इज नोन एज मेलिएबल, मेलिएबल इन नेचर। मेलिएबल नेचर का मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जैसे एल्युमिनियम की फॉइल आती है जो आपको रैप करने के काम आती है, जो भी हमारा फूड आइटम्स होता है उसको रैप करने के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज प्रॉपर्टीज नोन एज मेलिएबल। देन मेटल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं आपका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी हमारे जो वायर होते हैं घरों के अंदर वो सारे किसके बने होते हैं, आइदर दे आर मेड ऑफ कॉपर, किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, तो इट मीन्स इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, हीट का मतलब अगर आपके इफ वी टेक द आयरन रोड, अगर आप इसको एक साइड से यहाँ से गर्म करेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, दिस एंड ऑल्सो बिकम्स हॉट, ये यहाँ से गर्म करेंगे तो कुछ समय बाद ये भी आपका गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होगा, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर। अगर आपने वुड ले ली कोई भी, मान लेते हैं ये वुड है, वुड को अगर आपने यहाँ से गर्म किया तो क्या होगा, यहाँ से क्या गर्म होगा, नहीं होगा ये आपका। इट मीन्स जो आपका है मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर, ओके। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वन जो आपका है इसके अंदर, नेक्स्ट दे आर डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर। तो डक्टाइल नेचर क्या होती है, व्हाट इज द डक्टाइल नेचर, दे कैन ड्रॉन इन टू थिन वायर। जो हमारे घरों में वायर लगे होते हैं इट मीन्स वो सारे के सारे कुछ नेचर को शो करते हैं, डक्टाइल इन नेचर। तो दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर, आप उसके वायर बना सकते हो। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ऑल दीज प्रॉपर्टीज कम्स इन द 10th क्लास, ये सारे सारे 10th की है, बट इन द 11th क्लास यू हैव टू रिमेंबर, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इनकी नेचर क्या होती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द केटायन, यानी कि अगर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, केटायंस का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो मेटल हैव द प्रॉपर्टी, क्या है इसके अंदर, मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म
to form cation. It is very important property. They have property to lose the electron. Just sodium hai. Suppose if we take the sodium, atomic number kitna hota hai iska? 11. So first shell mein 2, fir 8 aur fir 1. So it loses the one electron. Ek jo electron hai wo usko lose kar deta hai. Kiske liye? To get stability. 2 and 8. तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो इसलिए क्या करते हैं वो, आइदर दे लूज द इलेक्ट्रॉन और आइदर दे गेन द इलेक्ट्रॉन. बट इन द केस ऑफ मेटल इट लूज द इलेक्ट्रॉन. तो मेटल जो भी होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. नॉन मेटल क्या करेंगे? दे गेन द इलेक्ट्रॉन. क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द नॉन मेटल. नॉन मेटल्स के अंदर सिंपली नॉन मेटल्स जो होते हैं दे मे बी इन दीज इन ऑल दीज थ्री फॉर्म्स. दे मे बी गैस, गैस भी हो सकते हैं. दे मे बी लिक्विड और दे मे बी सॉलिड. ये गैसेस भी होती है. गैसेस के अंदर आपका कौन सा हो सकता है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया. ओके, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. लिक्विड, लिक्विड दैट इज अ ब्रोमीन, Br2. ब्रोमीन इज नॉन मेटल, येट इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज द सॉलिड. लाइक वाइज द कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया. दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ इन विच द नॉन मेटल्स आर सॉलिड. तो ये सॉलिड, तो ये तीनों फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट वन आपका नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉट लस्टरस इन नेचर. तो इनको लस्टर नहीं शो करते. ठीक है, तो नॉट लस्टर, लस्टर इन नेचर, तो लस्टर शो नहीं करेंगे ये आपके. सेकेंडली नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, यानी कि इसको आप पीट के शीट नहीं बना सकते. तो सिंपली हम कह सकते हैं नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल इन नेचर. ओके, सेकेंडली आपका इसके अंदर नेक्स्ट नॉट डक्टाइल इन नेचर, नॉट डक्टाइल इन नेचर. इट मीन्स हम इसके वायर भी नहीं बना सकते. ओके, नेक्स्ट वन दीज आर बैड कंडक्टर. मेटल जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो दीज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो दीज आर द बैड कंडक्टर. बट यू हैव टू रिमेंबर एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर. जो आपका कार्बन है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स होता है. एलोट्रोप्स किसको कहते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट की जो अलग अलग फॉर्म्स होती है उसको आप क्या कहते हो? एलोट्रोप्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट की कई सारी फॉर्म, जैसे रावण था उसके 10 मुंह थे, वही है. उसके क्या बताते हैं वो? अलग अलग उसके करेक्टर्स को बताते हैं. ठीक है, वैसे ही क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं. क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट. तो होता क्या है आपका? डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म जो होती है दैट इज नोन एज एलोट्रोप्स. तो कार्बन की क्या हो सकती है? कोल हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, डायमंड हो सकता है, फुलरीन हो सकता है. तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दैट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो होता है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो लेड पेंसिल होती है वो इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू हैव टू रिमेंबर इट. येट द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट यू हैव टू रिमेंबर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दैट इज द ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये आपका ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है. ये आपने ध्यान में रखना है. तो दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टी. दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो सारी क्या होती है? गैसेस होती है. तो गैसेस में क्या होगा? फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है इट इज वेरी लेस.
when the force of attraction is very less, so their melting and boiling point is also very less. So you have to remember it. These are the certain property of non-metal. Next one is the metalloid. Metalloid have the property of metal and non-metal. दोनों की कुछ property किसकी होगी? Metal की होगी और कुछ property किसकी होगी? Non-metals की. तो दो तीन है इसमें ध्यान में रखना है. Arsenic हो गया, antimony हो गया, bismuth हो गया. तो इसके अंदर थ्री होंगे आपके आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मिथ हो गया. दीज आर द थ्री विच आर द मेटलॉइड्स. तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? विच कंटेन द बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दोनों की प्रॉपर्टी होगी, मेटल की भी होगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होगी. आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री एग्जाम्पल. दीज आर द मेटलॉइड्स. सो इट इज ऑल अबाउट अवर वन टॉपिक, दैट इज एलिमेंट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर क्लासिफिकेशन, because in the chemical classification there is the two is there two classification, pure substance and mixture is there. Pure substance jo hai, it is classified into element and compound. Now what is the compound? Understand it. Firstly, compound, what is the compound? So you have to remember, jo compound is a pure substance. Compound jo hota hai wo kya hota hai? It is pure substance containing two or more element. You have to remember, pure substance, compound is pure substance containing two or more element. You have to remember, two or more element combined in a fixed proportion proportion by mass. यानी कि आपका कंपाउंड होगा क्या, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होंगे, लेकिन जो एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं उनका जो मास है वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है, बाय फिक्स्ड मोर एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ओके, दैट इज नोन एज कंपाउंड. उसको आप हम क्या कहते हैं? आपका कंपाउंड कहते हैं, ठीक है बेटे. इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास एंड यू हैव टू रिमेंबर, हम एग्जाम्पल लेंगे देन वो आपको ज्यादा से समझ में आएगा. एंड कैन बी सेपरेट, सेपरेट बाय केमिकल मेथड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट. एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है इसके अंदर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, द properties of compound is different than their constituent elements. दो तीन चीजें आपने ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द कंपाउंड. फर्स्टली कंपाउंड है क्या? फर्स्टली इट इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो सकते हैं? विच कंटेन टू और मोर एलिमेंट. एलिमेंट में क्या हो सकते हैं? एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं. कंबाइंड होंगे यानी कि दे डू द रिएक्शन, फॉर्म्स द बॉन्ड. कंबाइंड होंगे किसके अंदर? इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. हमेशा आई एम टेकिंग ए सिंपल एग्जाम्पल, जैसे H2O. Now here is the two element is there. One is the hydrogen, another one is oxygen. One is the hydrogen, another is oxygen. Hydrogen का जो atomic mass होता है, that is one. तो how many hydrogen? Two is there. तो atomic mass इसका क्या हो गया? What is the atomic mass? Atomic mass is the two. Because two hydrogen is there. Oxygen का atomic mass क्या होता है? 16 होता है. तो इसका ratio क्या हुआ? What will be the ratio?
रेशो क्या होगा, हमेशा 1:8, यानी कि 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16. सो ऑलवेज देयर जो मास का रेशो रहेगा, वाटर कैन बी ऑप्टेन बाई ए मैनी मैथड्स. वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम द सी वाटर, सी से आप ऑप्टेन कर सकते हो, रेन से कर सकते हो, रिवर से कर सकते हो, और बाय द कंबाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो वाटर बन जाएगा. लेकिन कहीं से भी आप वाटर ऑप्टेंड कीजिए, जो इनके जो मास है, एटॉमिक मास का जो रेशियो है, वो हमेशा क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा. एंड सेकंड इज वही, इसके अंदर क्या है, कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, उनका जो मास का रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. बाय एनी मेथड वी कैन ऑब्टेन द वाटर, लाइक वाइज द सीओ टू. इफ वी आर टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल, सीओ टू में आपका क्या है, टू एलिमेंट इज देयर, कार्बन एंड ऑक्सीजन. द एटोमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड वन ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज द 16. हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसके अंदर 3:8 से आप इसको कर दीजिए, ये 3 और कितना हो गया इसके अंदर, 8. ओके, तो ऑलवेज जो रेशियो होगा किसका, कार्बन एंड ऑक्सीजन का, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 3:8. तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास एंड कैन बी सेपरेट बाय केमिकल मेथड. हम वाटर को जो अगर सेपरेट करना है, सेपरेट करने का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेपरेट, यानी कि इसके अंदर वापस से हमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आई एम बैलेंसिंग इट. तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाफ मोल लिख दिया, जस्ट टू बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको 1/2 कर दिया, 1/2 किया, तो ये 1 बन गया और ये आपका. तो जस्ट टू सेपरेट, सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द केमिकल मेथड. दो मेथड आपके, वन इज द फिजिकल मेथड और अदर वन इज केमिकल मेथड. फिजिकल मेथड में फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको किसी में हमने डिसॉल्व कर लिया, या मैग्नेट का यूज कर लिया, या कोई अदर सॉल्वेंट यूज कर लिया, दैट इज नोन एज फिजिकल मेथड. केमिकल मेथड के अंदर क्या करेंगे, इसको बाय द केमिकल, बाय द पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की, तब ये सेपरेट होगा. तो दो चीज आपने ध्यान रखना है, इट इज कंटेन्स 2 or more एलिमेंट कंबाइंड, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, कैन बी सेपरेट बाय द केमिकल मेथड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट देन देयर कंस्टेंट्स एलिमेंट. द प्रॉपर्टी है किसकी, कंपाउंड की. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. वाटर जो है, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज डिफरेंट, बिकॉज इन द वाटर H2O, वाटर किस फॉर्म में होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट देन देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, जिससे ये मिलके बना हुआ है, क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. ठीक है, तो ये वाटर जो है, वी नो दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैस. सो यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट. ये दैट इज इंपॉर्टेंट कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, इट विल बी डिफरेंट देन देयर कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट. प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, इट्स हेल्प इन द बर्निंग. ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, इट्स हेल्प इन बर्निंग, बर्निंग में हेल्प करता है. लेकिन वाटर क्या बर्निंग में हेल्प करता है, नहीं करता है इसमें. तो इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट. कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी किससे, देन देयर कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट. ये जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है, उससे क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल फॉर CO2. CO2 किससे मिलकर बना है, इट इज मेड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, CO2, बिकॉज वी नो दैट CO2 इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. लेकिन कार्बन क्या होता है आपका, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. ऑक्सीजन क्या होता है, गैस में. तो प्रॉपर्टी ऑफ CO2 इज डिफरेंट देन कार्बन एंड देन ऑक्सीजन. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ठीक है, क्लियर हो गया इसके अंदर. नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट. नेक्स्ट वन इज 3 things यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्टली केमिकल मेथड, फिर सेकंड फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, एंड नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट. नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी. ये आपका कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, 2 कैटेगरी के अंदर. फर्स्ट आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड वन इज द इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या होगा इसके अंदर, द कंपाउंड विच आर मेड बाय कार्बन एंड द अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, एंड दीज आर ऑब्टेंड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि दूज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, किससे ऑब्टेंड होगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स है, मेनली कंटेनिंग कार्बन, मेनली किसके अंदर होगा, मोस्ट ऑफ कार्बन होगा, बट अदर एलिमेंट क्या होंगे इसके अंदर, अदर नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तो दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मीन्स यानी कि दूज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड बाय अदर एलिमेंट, दूसरे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वट एवर द एलिमेंट इज देयर, और विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, जो किससे ऑब्टेंड होते हैं, या तो रॉक से ऑब्टेंड होते हैं या मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे FeSO4 फेरोसल्फेट, FeSO4 फेरोसल्फेट, पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, वट एवर एनी कंपाउंड इज देयर, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने कंपाउंड में तीन चीज़ याद रखनी है, प्योर सब्सटेंस है पहली चीज़, सेकेंडली आपने इसमें दे कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, थर्ड आपके इसके अंदर द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट देन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से डिफरेंट होगी, फोर्थ आपका इसके अंदर आपने ध्यान में रखना है, दे कैन बी सेपरेट बाय द केमिकल मैथड, नॉट बाय द फिजिकल मैथड, फिजिकल मैथड से वो हम इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, किस मेथड द्वारा कर सकते हैं, केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर, एंड इट इज क्लासिफिकेशन इनटू टू कैटेगरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यानी कि विच आर ऑब्टेंड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, या तो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होंगे, मेनली जिसके इसमें क्या होगा, आइदर दे कंटेन्स द कार्बन और उसके साथ क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर हो सकते हैं, अनदर वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेंड बाय द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में क्या हो सकता है, रॉक्स हो सकता है एंड मिनरल्स हो सकता है, तो मेनली वट एवर कंपाउंड आपको पता है वो सारे के सारे हम इसमें लिख सकते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट अवर कंपाउंड, क्लियर। तो नेक्स्ट वन इज मिनरल मिक्सचर, सॉरी नॉट द मिनरल मिक्सचर, ओके, तो इट इज ऑल अबाउट नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द मिक्सचर, कि दैट इज द व्हाट इज द मिक्सचर एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी।